चलो बच्चों, अब हमें देखना है वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे डिफरेंट है स्केलर एडिशन से, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई F1 मे बी 5 न्यूटन और F2 और दिस कैन बी 10 न्यूटन मे बी, राइट। तो अब हुआ क्या, क्वेश्चन ये होता है कि अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने वाला है कि राइट साइड में जाने वाला है, ठीक है, और इस पे ओवरऑल कितनी फोर्स लग रही है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं वंश कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है, F1 और F2 दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगाऊं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लगाएं, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो होगा क्या, सीधी सी बात है, अगर हम सेकंड केस को पहले देखें तो सेकंड केस में हम दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्यूमुलेटिव होगा और ये जो है एक ज़्यादा नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और राइट साइड में ही जाएगा कन्फर्म, ठीक है, और राइट साइड में एक ग्रेटर एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस 3 को देखें तो इसमें क्या है कि F1 जो है उतना पार्ट F2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इसके ऊपर रहेगा, है ना। कितना, F2 माइनस F1 के बराबर फोर्स इसके ऊपर रहेगी और उतनी फोर्स से ये लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, राइट बच्चों, है यस ना। तो बेसिकली ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है या कितनी एक्सेलरेशन से जाने वाला है, जिस ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा फोर्स की, राइट। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में ना तो ये ऊपर ही जाएगा ना ये राइट में ही जाएगा सर, ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से जाएगा। एंड द थिंग इज कि ऊपर की तरफ ये ज्यादा शिफ्ट होगा, राइट की तरफ थोड़ा कम शिफ्ट होगा, तो ये 45 से थोड़ा ज्यादा एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 45 पे तब दिखाते हैं इसको जब ये दोनों फोर्सेज होती बराबर, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा इसका वो कुछ इस तरह से होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी मूव करेगा और राइट साइड में भी मूव करेगा। लेकिन अब फोर्स कितनी होगी, सेकंड केस में तो हमने बोला कि फोर्स जो है वो 5 + 10 यानी 50 न्यूटन है, थर्ड केस में हमने बोला कि फोर्स जो हो जाएगी वो 10 - 5 दैट इज 5 न्यूटन हो जाएगी, है ना, कंबाइंड इफेक्ट। लेकिन फर्स्ट केस में कितना फोर्स होगी, क्या ये 15 होगी या 5 होगी या क्या होगी। तो एक्चुअल में मिनिमम फोर्स जो होगी वो तो पॉसिबल जो है वो है 5 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स पॉसिबल है 15 न्यूटन, और बाद में फिर इन दोनों के एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना। मिनिमम इतनी तो होगी ही, मैक्सिमम इतनी हो सकती है और इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है फोर्स की। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 के बीच में क्या एंगल, ठीक है, इट कैन बी 10 न्यूटन और 30 न्यूटन और मे बी 12.5 न्यूटन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये हम तब पता लगा पाएंगे जब हमें ऐड करना आएगा वेक्टर्स को, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है उनको कैसे ऐड करते हैं, अगर हम ये सीख लें तो फिर हम इसके बारे में बता पाएंगे। बोलो, ये क्लियर है आइडिया, है यस ना। और सेम आइडिया हमने वेलोसिटी की मदद से भी डिस्कस किया था कि अगर एक पर्सन है और रिवर भी मूव कर रही है तो डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच के एंगल पे या डायरेक्शन पे कि ओवरऑल स्पीड कितनी होने वाली है या ओवरऑल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है एक इधर है तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो वो अगेन डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, ठीक है। बट ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा कि सारे वेक्टर एक ही तरह से ऐड होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन हर तरह के हर वेक्टर पे एप्लीकेबल है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो या और भी आगे आने वाले जो वेक्टर्स हैं, टॉर्क हो गया या और भी दूसरे वेक्टर्स हम देखने वाले हैं, उन सभी पे सेम एडिशन एप्लीकेबल होता है। तो हम उसको ऐड कैसे करते हैं, अब अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन को बच्चों हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मेनली कैलकुलेशन पर्पस से तो हम इन दोनों को यूज करते हैं बट हमें देखने ये तीनों, ठीक है। तो
बारी बारी से हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरह से, एक वेक्टर ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर इस तरह से गिवन है बी, ठीक है, तो एक का फाइनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक है, तो इनका जो वेक्टर एडिशन होगा आप क्या करेंगे, जो सबसे शुरुआती पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था और लास्ट वाला जो पॉइंट था, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो वेक्टर होगा इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो आर वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों के एडिशन को आर वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लॉजिकली कैसे हम इसको निकालते हैं वो अभी हम देखते हैं, बट ट्राइंगल लॉ कहता ही है, ठीक है। इसमें ये क्लियर हो गया ना कि अगर एक का फाइनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर कोइंसाइड कर रहा है तो फिर हम, और तीसरा वेक्टर हम इस तरह से बनाएं कि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब इसको एक्चुअल में हम फील कैसे कर सकते हैं ना, ये तो हमने समझ लिया, याद कर लिया कि अच्छा ऐसा होता है। तो आप इस तरह से समझो कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो D1 डिस्प्लेसमेंट करता है ऐसे, ठीक है, ये कुछ उसने पहले एक डिस्प्लेसमेंट किया, फिर उसने क्या करा एक और डिस्प्लेसमेंट करा D2 इस तरह से, ठीक है। अब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, तो अल्टीमेटली फाइनल पोजिशन ये है और इनिशियल पोजिशन ये थी, तो ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा हमारा, ये जो हमने डी लिखा है यही तो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली दैट्स हाउ वी आर सेइंग दैट दिस डी डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द D1 प्लस D2, ठीक है। आप अगर चाहें तो पिछली स्लाइड में भी इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फोर्सेस की बात करते थे ना, सपोज करो ये F1 फोर्स है 5 न्यूटन एंड F2 फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन अपवर्ड्स, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ज्वाइन करके देखिए, ठीक है ना, तो ये आपकी नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी या नेट फोर्स आ जाएगी या टोटल फोर्स आ जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हो कि F2 की लेंथ क्योंकि ज्यादा है तो F जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है और F1 जो है वो राइट साइड में है ना, तो वो कम है तो इस तरफ राइट साइड में कम शिफ्ट है, ऊपर की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, ये एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर F1 F2 बराबर होते, इक्वल होते तो ये 45 पे जाता, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सेम चीज जो है वो जैसे कि हम बोल ही रहे थे कि सेम वेक्टर जो एडिशन है ये एप्लीकेबल है हर वेक्टर पे, चाहे फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो या कोई और भी चीज क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है। हाँ मेनली हम इसको बच्चों यूज करते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है, मतलब समझने के लिए, ठीक है। सो मेनली वी यूज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, या फिर अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम दे दिया गया है उसको ऊपर आपको कुछ इंटरप्रेट करना है या उसको बताना है सॉल्व करके, तो आप उसको देख सकते हो। जनरली मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तब तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पर पैरेललोग्राम लॉ हम सबसे लास्ट में देखेंगे, हम एक बार पहले पॉलीगन लॉ और देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ट्राइंगल लॉ में हम ट्राइंगल बना रहे हैं, पॉलीगन लॉ में हम क्या बनाएंगे, पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। और उससे पहले एक बार ट्रायंगल लॉ के कुछ चीजें हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए बी एंड सी। कैन यू टेल मी कि किन दो को ऐड करके कौन सा मिलेगा, सी एंड बी को ऐड सी, करके ए बोलो, मिलेगा, सी एंड बी को वेक्टर सी और वेक्टर बी को ऐड करके ए तो सी और बी जो होगा वो ए के बराबर होगा, राइट। मिलेगा। वंश तुम क्या बोलते हो, यस नो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक यस है, क्योंकि आप बी और वो सी को, उसकी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, वो जहां से उसने शुरू किया था। हाँ एक बार देखो, ये वेक्टर आपका बी था,
ये आपका सी था। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको ऐसे वेक्टर मिलना चाहिए ना, एडिशन तो ऐसा मिलेगा ना, इनिशियल पॉइंट से ओवरऑल इनिशियल पॉइंट जो था और ओवरऑल फाइनल जो था उसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, यानी एडिशन मिलेगा इन दोनों का। बट ये वेक्टर जो है ये इसका उल्टा है, इजंट इट? जो हमारा वेक्टर होना चाहिए था ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो इससे हम एक्चुअल में ये बोल सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ए। अगर वेक्टर ए का नेगेटिव आपने वेक्टर लिया होता है ना, नेगेटिव वेक्टर याद है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो वो किसके बराबर हो जाता, बी प्लस सी के एडिशन के बराबर तब हो जाता, ठीक है। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम ए वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes. ना? अच्छा एक और बताओ फिर, इसी को इंटरप्रेट, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे टू गेट आवर पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ को पता लगाने के लिए हम इसी को एक्सटेंड करेंगे फर्दर, बट उससे पहले एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो। ये है एंड देन दिस वन, नहीं ये तो सेम ही डायग्राम हो गया ना, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। चलो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया और तीसरा वेक्टर ये हो गया। तो अब बताओ इन दोनों को ऐड करके क्या मिलने वाला है, या तीनों को ऐड करके जीरो आएगा? कैन यू टेल द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? बेटा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो मैं खुद ही पता लगाने पड़ेंगे ना, डायग्राम मैंने दे दिया आपको, आपको नहीं पता है कि वेक्टर में इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट? नो सर पता है। हाँ फिर देख के बताइए कुछ से? सर वो जब आप एक बार आपके वाला डायग्राम फिर से ड्रा कर दीजिए। बेटा क्लियर तो है, ये सी हो गया, ये बी हो गया एंड दिस वन्स ए। वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। जाने से पहले एक कुछ चाहिए। यस करेक्ट, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी करेक्ट। ये सी से फिर बी की तरफ इस तरह से हम चलते चले गए, तो हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ज्वाइन करके ए वेक्टर मिला, तो ए जो है वो बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। गुड, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ भी बहुत ही सिंपल है देखो, और वो भी सेम मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर आपने एक डिस्प्लेसमेंट किया मान लो डी वन, एक और डिस्प्लेसमेंट किया आपने डी टू, एक और डिस्प्लेसमेंट किया डी थ्री, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि दो ही डिस्प्लेसमेंट करोगे, एक और डिस्प्लेसमेंट किया डी फोर, तो अब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही आपको देखनी है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, राइट? सो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर, ठीक है, ये क्लियर है? Yes. हाँ, तो पॉलीगन लॉ ये कहता है, पॉलीगन लॉ है तो बेसिकली आपकी अगर मोर देन फोर या फोर या फोर मोर देन फोर अगर इस तरह की साइड हो गई हैं तो आप इस तरह से ये लगा सकते हैं, या दो से भी ज्यादा होती है, अगर तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स आपको ऐड करना तो आप इस तरह से भी देख सकते हो ज्योमेट्रिकली, राइट? ज्योमेट्रिकली इस तरह से एडिशन आप उसका बता सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर कितनी भी साइड्स का पॉलीगन क्यों ना हो, अगर वो क्लोज हो जाता है ना इसी तरह से एक ही डायरेक्शन एक ही फ्लो में चलते हुए अगर ये क्लोज हो जाता है तो इन सभी वेक्टर्स का एडिशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर डी वन डी टू डी थ्री और डी फोर वैक्टर्स ले रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने सेम डायरेक्शन में ही यानी सेम फ्लो में अगर आपने इसको क्लोज कर दिया और इसको वेक्टर डी लिया है तो यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर
प्लस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू माइनस डी होना था, हमने इसको डायरेक्टली राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिख करके जीरो कर दिया। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये कैसे भी जा करके क्लोज हो जाएगा तो इसके इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाने वाला है, जीरो ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप ये देखो, ये डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर प्लस डी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जीरो हो जाना चाहिए। ये बताओ क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल लो हो गया, पॉलीगन लो हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ कैसे काम करता है, जैसे आप इमेजिन करिए कि एक फोर्स इधर है, या वेलोसिटी से देख लेते हैं, बाकी सारे हमने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से देखे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर रिवर का फ्लो जो है वो राइट साइड में है और कोई पर्सन जो है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्चुअल में इधर कहीं जाएगा, है ना? यस। तो सेम चीज पे पैरेललोग्राम लॉ जो है वो बेस्ड है। अगर आपका वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो आपको अगर इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका पैरेललोग्राम बनाओ। आपको दो एडजेसेंट साइड दे दी गई हैं, आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो आप ए के बराबर एक साइड लो, ए के इक्वल एक साइड लो और इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ऐसे बी के इक्वल एंड पैरेलल एक साइड ड्रॉ करोगे तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर आप ये जो कॉमन पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, इससे डायगोनल अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का एडिशन। ठीक है, वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। टेल मी, इज इट फाइन? यस यस। ठीक है, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक एडिशन। ठीक है, लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि आपको एक डायग्राम दे दिया है और आप बस उस पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करके रिजल्टेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, वो आपको क्या देगा, दो वेक्टर्स देगा और आपको मैथमेटिकली उसका आंसर निकालना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व कर। ठीक है, तो बेसिकली यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज गिवन टू यू। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालेंगे, पर उससे पहले और एक दो बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि अगर आप सेम चीज को देखें कि अगर मैंने बी वेक्टर को आपको याद होगा जब हमने कोइनिशियल वेक्टर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था उसके बाद कि वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं बी वेक्टर को शिफ्ट करूं और ए के ऊपर इस तरह से रखूं तो ये बी वेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, बोलो। और ए प्लस बी करके आर वेक्टर मिलता है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ से पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, बस बोलने का तरीका हमने चेंज कर दिया, अब हम ट्रायंगल ना बना करके पैरेललोग्राम बना रहे हैं ऐड करने के लिए। क्लियर है ये चीज? यस, है ना? यस, क्लियर। ठीक है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एक चीज और देख लो, ये जो आर वेक्टर जिसको मैं लिख रहा हूं ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में इट इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे सम भी बोल सकते हैं हम, और कॉमनली यूज टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम सम ना बोल करके जनरली रिजल्टेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वर्ड भी यूज किया जाता है जब आप ए और बी को ऐड करते हैं। सिमिलरली नेट वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, यानी आपको पूछ लिया जाता है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या होगा, सेम ही चीज हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स इस तरह से दी हो सकती हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये क्लियर है?
यस तो ये हो गया। लास्टली इसको सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ, थीटा से हमें डायरेक्शन पता चल जाती है, राइट? हमने डिस्कस किया था इस बात को, ठीक है? अगर थीटा की यस जगह मैं एंगल लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, एंगल से हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक डायरेक्शन नोन है, ठीक है, इफ यू ऑलरेडी नो वन डायरेक्शन या फिर यू हैव वन रेफरेंस डायरेक्शन, तो उस रेफरेंस डायरेक्शन से आप एंगल बताएंगे तो आपको दूसरी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो एक रेफरेंस डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए या एक डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए, ठीक है? तो एंगल से हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि थीटा जो है यहाँ पे, ये हम गिवन मानेंगे कि ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर बस सिंपल ये सोचो कि थीटा जो है उसको हम गिवन क्वांटिटी मान सकते हैं कि नहीं, इसको गिवन हम मान सकते हैं कि नहीं? नहीं आप क्या कहते हो बेटा? नहीं, यहाँ पे थीटा जो है वो गिवन होगा, वही इसको ध्यान से समझो, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है, तभी तो हम आर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ठीक है? रिजल्टेंट वेक्टर हम गिवन वेक्टर से फाइंड आउट कर रहे हैं ना। गिवन वेक्टर का मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, दोनों में केस में आया ना। एंड इफ यू ऑलरेडी नो टू डायरेक्शंस, तो उनके बीच का एंगल आपको नहीं पता होगा क्या? सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ, तो हमें नहीं पता उसके बीच में 180 डिग्री एंगल होता है, या और भी कोई डायग्राम ड्रॉ कर लो, सपोज करो दिस वन एंड दिस डायरेक्शन, तो हम ये एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो डायरेक्शन पता है तो हमें उनके बीच का एंगल भी पता है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको हम अननोन मानेंगे, ठीक है? सो दिस इज गिवन टू अस, दिस विल बी ट्रीटेड एज गिवन क्वांटिटी, इज इट फाइन? ओके यस। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसकी वैल्यू को, है ना? तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए तो उसके डायगोनल की लेंथ आप निकाल सकते हो क्या? सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम और मैं बोलूं कि ज्योमेट्री यूज करो और इसकी लेंथ निकाल लो, क्योंकि जैसे ही आप इस आर की लेंथ निकालोगे आपको क्या पता चल जाएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, राइट? ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस पैरेललोग्राम का डायगोनल की लेंथ निकालनी है, जैसे कि हम ज्योमेट्री में निकाला करते हैं, ठीक है? और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना? एक परपेंडिकुलर और यहाँ पे हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया ताकि एक हमें ये ट्रायंगल मिल जाए ए बी सी बड़े वाला, ठीक है? और एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल भी हमें मिल जाएगा बी सी डी, बी सी डी, ठीक है? बस मेरे को ध्यान से देखो और ये कंफर्म कर दो कि ये एंगल थीटा है कि नहीं, बोलो। इट इज एंड दिस लेंथ इज बी, ये लेंथ जो है वो बी के बराबर होगी, बोलो। यस यस है ना, यस। चलो तो अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री बनानी है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने आपको पहले से ही पता होगा थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर जो मान लेते हैं, ये हो जाएगा बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, राइट? और इन चार चीजों में से कोई भी दो अगर हमें पता है तो बाकी की दोनों हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बी गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है? बी मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ये एक्चुअल में क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, राइट? तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे आपको बी दी हुई है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बी साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं, बोलो? यस। इसकी वैल्यू अगर बी है तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है फॉर्मूले से, तो बेस जो होगा हाइपोटेन्यूज साइन कॉस थीटा और हाइपोटेन्यूज की जगह बी लिखना है हमें, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। सो दिस लेंथ विल बिकम बी कॉस थीटा
and this will be representing v sin theta. Is it clear? Yes. तो अब अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को देखें तो इसकी ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर ए की लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, और उसके मैग्नीट्यूड को हम एरो हटा के रिप्रेजेंट करते हैं, और बची हुई लेंथ बी कॉस थीटा तो ये मिला के टोटल लेंथ, और बी सी लेंथ तो बी साइन थीटा है ही। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्लियर? यस। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसमें से एक फॉर्मूला है, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे अलग से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा cos square theta plus sin square theta 1 होता है, राइट? तो अभी क्योंकि वंश आप 9th में हो तो शायद आपने ना देखा होगा फॉर्मूला, शायद 10th में आता है। नहीं सर, पढ़ लिया। ठीक है, तो r जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a square plus b square plus 2ab cos theta। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है? To find out the value of resultant of two vectors A and B, you can use this formula. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो वेक्टर A और B आपको गिवन है उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और याद रखने वाली चीज इसमें है कि थीटा जो है वो वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का एंगल, ठीक है? Okay. ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जहां भी आपको एंगल दिया जाएगा, सबसे पहले आपको चाहे आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं चाहे आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि वो एंगल जो है वो किन किन के बीच का, क्योंकि एंगल हमेशा दो लाइन के बीच का होगा, ठीक है? और आपको वो कंफर्म कर लेना कौन सी दो लाइन के बीच का है, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे, राइट? अच्छा, अभी लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड आया, ए और बी के एडिशन के बाद जो वेक्टर मिलता है ना, आर वेक्टर इज ए प्लस बी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर मिलता है इसका सिर्फ और सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किया है, हमने इसकी डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट करी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी आर वेक्टर की। बोलो कैसे? क्योंकि ऑलरेडी ए की डायरेक्शन पता है ना, और तो अभी तो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अगर एक रेफरेंस डायरेक्शन है तो एंगल्स एंड दूसरी डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट? यस। तो अगेन दिस बिगर राइट ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखें तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस and BC is perpendicular which is B sin theta and divided by A plus B cos theta, ये देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, हमने क्या करा है, perpendicular upon base tan theta रख दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इससे हम tan अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? अगेन याद रखने वाली चीज क्या है, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, कंफ्यूजन हो सकती है आपकी, ए और बी के बीच का एंगल है यहाँ पे, ये ए और आर के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है? क्वेश्चन अब ये बनता है कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए आप देखिए अगर टेन अल्फा की वैल्यू सपोज करो वन आ जाती है तो ऑब्वियसली अल्फा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री पे
टेन की वैल्यू जो होती है वो वन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि क्या एंगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर टेन अल्फा की वैल्यू आ जाती है रूट थ्री, सो अल्फा शुड बी 60 डिग्रीज, राइट? बोलो क्लियर है? यस। हाँ गुड, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बट बच्चों एक केस आपके सामने ना ये भी आ सकता है कि कभी कभी लिखेगा जैसे टेन अल्फा इज इक्वल्स टू से टू, तो अब टू का तो हम अब तो हम अल्फा बता नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है टेन अल्फा टू कब होता है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू, सिर्फ इतना आप लिख के छोड़ दीजिएगा और आप इसी को ही अपना आंसर कंसिडर कर सकते हैं इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, दिस मैनी रेडियंस, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इतना छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब ये इनवर्स क्या है, कैसे आया, क्यों आया? तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये एक्चुअल में आप 12th क्लास में देखोगे मैथमेटिक्स में, और उतने डिटेल में हमें अभी फिलहाल तो कम से कम नहीं जाने की जरूरत है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इस पर डिस्कशन करना हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना यूजफुल नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है, मतलब बिना इसके भी हम अभी फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ सकते हैं कम से कम, राइट? ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा बोल देगा कि सपोज करो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.343, ये मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि, अच्छा आप इसको कैसे लिख के छोड़ सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.343। ठीक है, बट समटाइम्स ही इन क्वेश्चन इटसेल्फ ही मे टेल यू दैट इफ टेन अल्फा इज इक्वल टू 0.343 देन अल्फा इज 19 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 19 डिग्री वैल्यू, या फिर वो ऐसा बोल देगा कि टेन इनवर्स 0.343 इज 19 डिग्री। ठीक है, तो भी या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है कि 10 19 इज इक्वल्स टू 0.343। तो अगर वो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दे तो फिर आप पुट कर देना, अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रहा तो फिर आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, राइट? ठीक है, तो अभी तक इसको ध्यान से देख लो और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। दिस इज हाउ यू मैथमेटिकली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, फाइन? यस, फाइन। अब मुझे एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ना मुझे बताना है, ठीक है, मुझे ये वेक्टर दे रखा है से F1, ये फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस को मुझे ऐड करना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँगा, राइट? और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया FR या सिंपल F भी बोल सकते हो, ठीक है? और अब आपको बताना है, सपोज दिस इज अल्फा, है ना, इनके बीच के दोनों के बीच के एंगल को थीटा बोलेंगे, राइट? तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें से F1 या F2 में से किसको आप अल्फा मानेंगे, किसको बीटा मानेंगे, किसको अल्फा सॉरी F1 और F2 में से किसको A मानेंगे, किसको B मानेंगे? जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, टेन थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से किसको आप ए मानेंगे, किसको बी मानेंगे? एनी गेस? ए हम F2 को मानेंगे, F1 को, F1 को और F2 को बी, इसको हम F2 को B और F1 को A, हाँ करेक्ट, इसको हम A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। देखो बच्चों, जब आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम से दे सकते हो, जब आपको डिफरेंट नेम से देगा तो आपको A और B, ये फॉर्मूला तो आप लिख लोगे लेकिन लगाने के लिए आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा किसको A लें किसको B लें? तो आप याद रखिएगा कि रिजल्टेंट का जिसके साथ आप एंगल बता रहे हैं उसको आपको A मानना है, याद आ रहा है? अभी हमने डिस्कस किया था ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, ये ध्यान रखना कि ए और आर के बीच का एंगल होता है अल्फा,
तो जिस की मदद से, जिस वेक्टर की मदद से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, आप उसको ए मानेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, अदरवाइज आप जैसे गड़बड़ कर जाओगे ना, तो इसमें ये देख सकते हैं। अब फाइनली वी कैन राइट डाउन दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू बी एडेड, एंड टेन अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए इज गिवन बाय बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? देखो फॉर्मूले में भी थीटा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि थीटा को हम गिवन मान रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि गिवन जो मतलब फॉर्मूला जो वो अननोन चीजों के लिए बनाया जाएगा, हम गिवन मान रहे होंगे तभी तो हम उसको फॉर्मूले में थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसमें तीन केसेस लेंगे, ठीक है? केस वन, केस टू एंड केस थ्री, ठीक है? व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री, थीटा जब जीरो डिग्री होगा, थीटा जीरो डिग्री होने का मतलब क्या है, ए और वेक्टर बी, देखो ये वेक्टर ए था आपका, ये वेक्टर बी था जो आपने माना था डायग्राम उसमें, और ये एंगल था थीटा, ठीक है? तो थीटा जीरो डिग्री होने का मतलब क्या है, इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी देन ओनली द थीटा विल बी जीरो। तो यहां पर क्या है कि आप अब हम तीन केसेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी बताता हूँ, है ना, पर अभी हम फिलहाल ये लेके चल रहे हैं। फिर एक बार हमने थीटा को ले लिया 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर जो होगा वो इस तरफ होगा। इसी तरह से तीसरा केस जो होगा वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का हम ले रहे हैं, ठीक है? दीज आर थ्री स्पेशल केसेस। क्यों है ये स्पेशल केस और क्यों हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम आपको भी बताते हैं, ठीक है? आप सिंपली देखिए कि होगा क्या, अगर हम वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में लेते हैं, यानी केस वन की अगर हम बात करें, तो आप क्या करेंगे, रिजल्टिंग वेक्टर जो होगा, रिजल्टिंग वेक्टर विल बी डायरेक्ट समेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है? तो रिजल्टिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। ए और बी को ऐड करने के बाद रिजल्टिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट एडिशन से आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। एग्जांपल के लिए अगर एक 5 न्यूटन था, एक 10 न्यूटन था, तो टोटल मिला के 15 न्यूटन हो जाएगा ना, और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों ही राइट डायरेक्शन में थे तो एडिशन भी राइट डायरेक्शन में ही आएगा, है ना? तो दोनों फोर्सेस मिलकर के राइट डायरेक्शन में ही आएंगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम सेम एज वेक्टर ए और वेक्टर बी डायरेक्शन, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में है तो किसी की भी डायरेक्शन को आप कंसीडर कर लीजिए, उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन आएगी और मैग्नीट्यूड जो होगा वो इन दोनों का डायरेक्ट समीशन हो जाएगा, ठीक है? पर क्या ये चीज हम अपने पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते थे? तो बिल्कुल उससे भी निकाल सकते थे। आप यहाँ पे देखो, अगर इस थीटा की वैल्यू जो है अगर हम 0 डिग्री रख देंगे तो ये कॉस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? Yes, yes. है ना, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस 180 माइनस 1 होता है, ठीक है? तो ये वैल्यूज हम यूज करेंगे अपने केसेस में। तो केस 1 में क्या होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बच जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आप देखो ए प्लस बी आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना? इसी तरह से यहाँ यहाँ पर अगर आप 0 पुट कर देंगे थीटा की जगह पर, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, तो जैसे थीटा की जगह 0 पुट करोगे साइन 0 0 हो जाता है, साइन 0 जो होता है वो 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है, यहाँ पर डिग्री नहीं आएगा, तो बस ये 0 हो गया। और अल्फा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, अल्फा भी 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब अल्फा भी इधर ही आएगा, राइट? तो सेम चीज हम इससे भी निकाल सकते थे, बट द थिंग इज कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके आपको अपना टाइम क्यों खराब करना,
हमें पता ही है कि ऐसा होने वाला है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो अगर कहीं पे डायरेक्टली यूज किया हो और आपको भी यूज करना ही है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस फ्रॉम दिस वन, राइट? बोलो जल्दी, यस, ओके, है ना? ऐसे ही सेकेंड थर्ड केस हम पहले देख रहे हैं, कॉस 90 जीरो होता है ना, और साइन 90 हो जाता है बच्चों वन, ठीक है? तो हम पहले थर्ड केस देख रहे हैं। तो देखो जरा, अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो कॉस 90 तो हो जाएगा जीरो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो 2ABB इसके साथ जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है? अब डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन के लिए आप टेन अल्फा में पुट करके देख लो, तो टेन अल्फा साइन 91 होता है तो बी अपॉन में कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो बी अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप इसको ना सॉल्व भी करके देख सकते हो, है ना? ये रिजल्टेंट हो गया, और आप रिजल्टेंट के बारे में अगर देखें तो रिजल्टेंट ये एंगल आपका अल्फा है, तो टेन अल्फा ऑब्वियसली बी अपॉन ए ही होने वाला है, इजंट इट? यस। तो होगा क्या कि अगर आप बुक में कभी कभी देखोगे कि थीटा 90 डिग्री है, तो वो ये फॉर्मूलाज नहीं यूज करेगा, वो सीधे ये फॉर्मूला लगा करके आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर टेन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए ये लगा करके सॉल्व करते हैं। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाले फॉर्मूलाज क्यों नहीं यूज किया, ये कहाँ से आ गए नए फॉर्मूले, ये नए नहीं है, ये उसी का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है इन पर्टिकुलर केसेस के लिए। इज इट फाइन? यस। सो नेक्स्ट इज केस टू। केस टू की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, आप ये देख लीजिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने ए को जो है वो ए इज लॉन्गर देन बी, तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है? तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है? ऑपोजिट जो होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो बड़े वाला है उसमें से आप छोटे वाले को माइनस कर दिए और डायरेक्शन बड़े वाले की ही दे दीजिए, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम प्लस फाइव और माइनस सेवन करते हैं तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और साइन कौन सा देते हैं, जो कि बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होता है वो यहाँ पर देते हैं ना साइन, है ना, राइट? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमारी फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी। अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो। तो बस ये हो गया, और अल्फा की वैल्यू आप चाहो तो देखो इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, थीटा की जगह पर अगर आपने 180 रखा होता तो ये माइनस वन हो जाता, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता अंडर रूट इक्वल्स टू आर, क्योंकि आपने कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस वन हो जाती ना, थीटा 180 होता तो, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है अभी, तो फिर रिजल्टेंट हो जाता ए माइनस बी, और ऐसे ही अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई, और आप एंगल निकालना चाहते हो तो साइन 180 बच्चों जीरो होता है, तो आप देखो कि अल्फा क्या आ जाता, जीरो डिग्री आ जाता, अल्फा जीरो डिग्री आ जाता, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो ये हम ना, हाँ, ये ना हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये तीन केस अगर इस तरह से दो वेक्टर्स दिए होते हैं जिनको आइडिया सब्ट्रैक्ट किया होता है या होना होता है तो करना होता है मैं मतलब, तो हम इनको डायरेक्टली यूज करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, सॉरी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ये टॉपिक और हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर एडिशन के और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के देखेंगे, ठीक है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि हम एक गिवन वेक्टर को दो वेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है?
हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं कहलाते हैं, ये दोनों मिलाकर के कहलाते हैं इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, ये इसके कॉम्पोनेंट कहलाते हैं। ए एक्स और ए वाई कॉम्पोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के एक बनेगा, और इसके डिवाइड करने को मतलब इस वेक्टर को इन दोनों कॉम्पोनेंट्स में तोड़ने को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको तो शायद क्लियर हो जाएगा। सो द थिंग इज वी विल बी हैविंग सम वेक्टर ए मे बी, ठीक है, और हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, उन दोनों को कॉम्पोनेंट बोलेंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये वेक्टर ए गिवन है जिसको हमें ब्रेक करना है, और सेम चीज को हम इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और ये एंगल गिवन है, बोलो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? यस। सो नाउ यू कैन सी दैट अगर यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होगा, तो बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा, यानी ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, हाइपोटेन्यूस ए है, एंगल जो है वो थीटा है आपका, और अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारा ए है, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो मैंने बेस की जगह पर ए कॉस थीटा लिखा, क्लियर है? यस यस। ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होगा, तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हमने अभी किया था डेरिवेशन में, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ए कॉस थीटा है ना, इसको हम बोलेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा जो होगा वो इस तरह से, और इसी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट जो है वो बी साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक एक जो फाइनल स्टेप और है, अगर वो आप समझ जा रहे हैं ना तो फिर ये आपको काफी क्लियर हो जाएगा। देखो ए कॉस थीटा अभी ये लेंथ है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको ये वेक्टर मान लूं तो मुझे बस क्या करना होगा, यहाँ पे आई कैप लगाना होगा, तो मैं बस यहाँ पे आई कैप लगा करके इसको वेक्टर लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आई कैप जो होगा वो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड वन है, तो मैग्नीट्यूड वन है तो ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर के मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन इसको डायरेक्शन मिल जाएगी एक्स एक्सिस की, तो ए एक्स वेक्टर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए वाई वेक्टर हम ले सकते हैं, सिर्फ यहां पर जे कैप लगाते हैं, सिर्फ जे कैप लगाते हैं। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर? तो हमने क्या करा, ये दोनों वेक्टर बना लिए, पर ये दोनों वेक्टर हमने क्यों बनाए हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो अगर आप ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको ए वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं, है ना, ये ए एक्स वेक्टर है, yes. ये ए वाई वेक्टर है, और ट्रायंगल लॉ से हमने देखा था कि ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। जब हम ऐसा करेंगे तभी तो हम बोलेंगे कि हमने इस वेक्टर को ही दो पार्ट में डिवाइड कराया, जब हमने इस वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कराया तो वापस को कंबाइन करेंगे तो ये वेक्टर मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमने जो वेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है वो
वापस ये वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, या उन दोनों का एडिशन वापस ये वेक्टर हमें दे देगा, ठीक है। और सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। और अगर हमने जेड एक्सिस लिया होता तो हम ऐसे ही ए जेड पी कैप भी लिख सकते थे। ये देखो ये क्लियर हुआ तुम्हें? क्लियर। इफ यू रिमेम्बर ये सेम इस टाइप का एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, 2i cap + 3j cap, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा था कि i और j लगा करके हमें वेक्टर मिल जा रहा है, एंड दिस इज कंबाइंड नोटेशन। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये कंबाइंड नोटेशन है, अगर आप i j के लगा दो तो यहाँ पे ए वेक्टर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि आपको इतना x एक्सिस के लॉन्ग इतना y एक्सिस के लॉन्ग जाना है, बाद में आप इनको कंबाइन करेंगे तो ए वेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये क्या बता रहा है, आपको डायरेक्शन भी बता रहा है और ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट ज्यादा दूर ना होता तो आपको कम कम चलना पड़ता, या फिर मान लीजिए कि ये पॉइंट ऊपर ज्यादा होता लेकिन राइट में कम होता तो आपको वाई में ऊपर ज्यादा जाना पड़ता। तो अल्टीमेटली आपको किस डायरेक्शन में पॉइंट मिलने वाला है, किस डायरेक्शन में पॉइंट या वेक्टर मिलने वाला है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो सब का सब आप किससे बता सकते हो, इन दोनों कॉम्पोनेंट्स की मदद से बता सकते हो, यानी इस कंबाइंड नोटेशन की वजह से बता सकते। तो आपको इस तरह से एंगल भी मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, एंगल भी मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, तो ओवरऑल आपको ये वेक्टर बता देगा। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है तो आपको एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लेना है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कुछ इस तरह से भी ले सकते थे, थोड़ा सा अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टेढ़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मन करे एक्स और जहां मन करे वाई मान सकते हो, बस परपेंडिकुलर होने चाहिए वो, राइट। तो इस तरह से ही होगा और ये बस एंगल आपको पता होना चाहिए थीटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो है ये लेंथ जो है ये बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका वेक्टर है उसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन हमेशा क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यही x के साथ एंगल अगर थीटा दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर a है तो ये a cos थीटा ही होगा और ये a sin थीटा ही होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आया था, लेकिन ये बार बार हमें लगा के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द वेक्टर b और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ऑब्वियसली जो भी है नेगेटिव x एक्सिस या जैसे भी आप ले रहे हो ये x एक्सिस हो जाएगा, एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ना ये होगी b cos थीटा। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा होगा वो होगा cos थीटा वाला और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्लियर है? ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो और चाहे तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री लगा के लिख लो, जब तुम पूरा भरोसा हो जाए तब लिख लो ना, पर अल्टीमेटली होगा ऐसे ही। ये क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट चीज, ए एक्स और ए वाई को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि ये हमारे रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके अलावा क्योंकि हम कॉम्पोनेंट ब्रेक कर रहे हैं इसलिए रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई वैक्टर ए गिवन है तो आप एक वैक्टर ऐसे और दूसरा ऐसे भी ले सकते हो, एक है ना, तो इन दोनों का एडिशन ए के बराबर हो जाएगा, इंस्टेड आप एक ऐसे और एक ऐसे भी ले सकते थे तो भी उसका एडिशन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बट हम जो रिजोल्व करते हैं उसमें 90 डिग्री ही लेके चलते हैं, ठीक है। बट अगर हम वैसे बात करें कि क्या हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए एंगल इनके बीच में, नहीं, तो ऐसे दो वेक्टर में भी हम इस वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री ना हो,
ये क्लियर है? ओके सर, आपकी वॉइस कट हो रही थी जब आप ये बता रहे थे सर। मैं कह रहा हूँ जैसे ये वेक्टर ए है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते थे कि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, बट आप इसको ऐसे भी ले सकते थे कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल ना हो। ये देखो, जरूरी थोड़ी कि एंगल 90 होगा, ठीक है, लेकिन जब हम 90 लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, और तब हम एक्स और वाई एक्सिस मान करके उसको ब्रेक करते हैं, और वही हमें करना भी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 90 ही हो पाएगा। अब अगर आप कंपेयर करें तो वेक्टर एडिशन इज बेसिकली यू विल बी गिवन टू वेक्टर्स एंड यू विल कंबाइन देम टू गेट वन वेक्टर, ठीक है, वेर एज इन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यू विल बी गिवन वन वेक्टर एंड यू विल ब्रेक देम टू गेट टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यहां पर हम एक वेक्टर से दो बनाते हैं, वहां पर हम दो से एक बना रहे हैं, है ना, सॉर्ट ऑफ अपोजिट एक दूसरे का, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई डू वी स्टडी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और वेयर विल इट बी हेल्पफुल। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी यूजफुलनेस तो हमें पता चलती रहेगी, लेकिन एक एग्जाम्पल उसका मैं अभी दे देता हूँ आपको, क्योंकि हम एडिशन ऑफ वेक्टर अभी जस्ट पढ़ के हटेंगे। देखो, आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना था तो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लिया एंड इट इज फाइन, बट इमेजिन करो कि आपको इस तरह से कुछ मे बी फोर वेक्टर्स को आपको ऐड करना, तो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एनी टू वेक्टर्स, है ना, और उनमें आप ये पैरेललोग्राम बना करके ऐड करोगे, और ये रिजल्टेंट आपको किन का मिला? ए और बी का रिजल्टेंट मिला, इजंट इट? यस। फिर आप क्या करोगे, ये जो आया ये ए और बी का एडिशन आया, ठीक है, तो आर वन को आप सी के साइज यूज करोगे, तो एक और पैरेललोग्राम बनाओगे ऐसे करके, और अब जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप आर टू मानोगे, है ना, यानी एक बार और पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। सिमिलरली फिर आपको एक और बार पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, बोलो नहीं, yes. है ना, एक और बार आर टू और डी के हिसाब से, और ये हमारा आर थ्री, तो हमें कितनी बार पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ा? तीन बार पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ा, तब जाकर के हमें क्या मिला है? ओवरऑल रिजल्टेंट या तीनों का समेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास चार वेक्टर्स थे जो आपको ऐड करने थे तो आपको तीन बार पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ा, अगर आपके पास n वेक्टर्स होते तो यू मे हैव टू अप्लाई n माइनस वन टाइम्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये तो फिर थोड़ी सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, इन दैट केस इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, है ना, तो आपको पांच अप्लाई करने हैं तो चार बार लगाना पड़ेगा, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना, तो मैं तीन वेक्टर्स की मदद से आपको बता रहा हूँ, और है ना, फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लीजिए फाइव, इसको भी फाइव ले लेते हैं, इसको फोर ले लेते हैं, इस एंगल को हम 45 डिग्री ले लेते हैं, तो 30 ले लेते हैं, और इसको हम 60 ले लेते हैं, इमेजिन कर लो ना, एंड दिस मे बी अगेन 60 डिग्री, तो अभी हमने रफली ड्रॉ कर लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो वेक्टर है आपका ये वाला, है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट में, एफ कॉस 30 और F यानी 5 सॉरी 5 साइन 30, ठीक है। फिर दूसरे को जब आप रिजॉल्व करोगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 5 cos 60, है ना, इसके साथ एंगल बनना है तो 5 cos 60, और यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा, 5 साइन 60,
राइट। इसी तरह से जब आप तीसरे को ब्रेक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 4 cos 60 degrees और एक वर्टिकल आ जाएगा 4 sin 60 degrees। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है दोनों को आपको? यस यस। हमने तीनों वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया है ना। हमने क्या करा, दो बार पैरेललोग्राम लॉ लगाने की बजाय हमने सबके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको याद है मैंने आपको तीन केसेस बताए थे, अब ये तीनों केसेस जो हैं हम यूज करके एडिशन करेंगे, ठीक है। ये देख लो आप, क्लियर है तीनों केसेस? यस यस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा फाइनल, मैं बस आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, है ना। तो आप ये देखो यहाँ पे कि 5 cos 30 और 5 cos 60 ये दोनों राइट साइड में है ना, राइट साइड में सेम डायरेक्शन में। तो 5 cos 30 प्लस 5 cos 60 हो जाएगा कि नहीं, बोलो ये दोनों वेक्टर्स मिला करके। यस। एंड लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 4 cos 60 एंड ऊपर वाली डायरेक्शन में 5 sin 30 एंड नीचे हो गया 5 sin 60 degree और ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में ना, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस 4 sin 60 degree, राइट। तो जो सेम डायरेक्शन वाले थे वो हमने ऐड कर दिए, है ना। अब हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट वालों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, राइट वाले में से लेफ्ट वाला हम पहले सबट्रैक्ट कर देगा, तो हमारे पास एक वेक्टर बचेगा 5 cos 30 प्लस 5 cos 60 माइनस 4 cos 60, राइट। इसी तरह से नीचे वाला हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है वेक्टर, तो हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं 5 sin 60 degree प्लस 4 sin 60 degree माइनस 5 sin 30 degree, बोलो हो जाएगा कि नहीं? Yes. और ये एंगल 90 होगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे जब आप इनको सॉल्व करोगे, हाँ बोलो वंश। कुछ नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी है ना फाइनल वेक्टर के लिए, मैं इसको x मान लेता हूँ या ax मान लेता हूँ, और ये जो वैल्यू आएगी इसको ay मान लेते हैं, है ना। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, वो हम नहीं निकाल रहे हैं ना, वो मान ले रहे हैं कि हो जाएगा। फिर फाइनली क्या करोगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा करके ये ऐड हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको एडवांटेज ये मिल रहा है, क्या एडवांटेज मिल रहा है कि आप जब इसको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप सीधे सीधे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ये हो जाएगी, और अगर आप इस एंगल को अल्फा मान रहे हो तो टेन अल्फा आपका ए वाई ओवर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब निकाल लेना, फिर माइनस लगा देना क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, या फिर पहले ही माइनस साइन लेके चलोगे तो हो जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या करना पड़ा, सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ा, वो भी ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, आसान वाला रिड्यूस फॉर्म वाला। और ये भी मैंने इसको पहले इस फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर मैंने ये लगाया। आप क्या कर सकते हो, इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो, जो पहला स्टेप मैंने लिखा इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। सीधे फर्स्ट स्टेप में ही आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे और इसमें से 4 cos 60 सबट्रैक्ट करोगे, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे, इसमें से 5 sin 30 सबट्रैक्ट करोगे और ये डायग्राम बनाओगे और सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे। तो ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इमेजिन करिए आपके पास 10 वेक्टर्स थे, तो आपको क्या करना था, उन 10 को रिजॉल्व कर लेना था और सीधे सीधे ये वाला डायग्राम बनाते हो, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाता। तो आप 9 times पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने से बच जाते, इजंट इट? यस। और इसमें भी हम कई बार और इजी बना लेते हैं इसको, है ना, इसमें भी हम इसको और इजी बना लेते हैं। जैसे सपोज करो ये 3 वेक्टर्स थे जिनका आपको एडिशन करना है, तो हम क्या करते हैं ना कई बार कि हम ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और इसी के अलॉन्ग वाई एक्सिस। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये जो वेक्टर ए है ये रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये सिर्फ इसी के अलॉन्ग आ गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सिर्फ बी और सी को रिजॉल्व करना है और आंसर निकालने के लिए,
तो और इजी हो जाएगा। सेम चीज आप इधर भी कर सकते थे कि इसको x एक्सिस मान लिया और ये y एक्सिस मान के सॉल्व कर लिया, हो गया। बोलिए क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक है वंश, यस सर, ये वाले जो आपने अभी डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें जो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहे हैं, तो हम उसको वैसे रिजॉल्व ना करके, मतलब बिल्कुल तीन करेक्ट तीन रिजॉल्व ना करके दो कर करेक्ट सकते थे। करेक्ट गुड। हम यहाँ पे x एक्सिस मान सकते थे, यहाँ पे y मान सकते थे, और सिर्फ एक वेक्टर रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते थे। करेक्ट गुड। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हमें x और y एक्सिस मतलब इन्हीं डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करना हो तो हम इस तरह से कर सकते थे। अभी मैंने इसको इस तरह से इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपको बताना था कि कैसे सॉल्व करना है।